भैया कहाँ रह गए आप? मैं कितने टाइम से खड़ी हूँ यहाँ पे, मुझे लेट हो रहा है भैया, जल्दी आ जाइए। मैं गेट नंबर 4 खड़ा हुआ मैम। क्या बात कर रहे हो, 4 नंबर गेट के पास तो मैं खड़ी हूँ, मुझे तो यहाँ पे कोई कैब नहीं दिख रही है। मैम आपके राइट में जी। मैम जी मैम देखो भैया वो टैक्सी तो नहीं है। जी मैम वो क्या हुआ ना, रास्ते मेरी कार पंचर हो गई थी और आपको भी जल्दी जाना था, इसलिए अपनी दोस्त की गाड़ी लेकर आ गई। मैं कोई प्राइवेट कार में तो नहीं जाऊंगी, प्लीज आप राइड कैंसिल कर दो, मैं दोबारा कैब बुक कर लूंगी। जैसी आपकी मर्जी, मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए आ गया था। सोच रहा मैं इतनी जल्दी और कोई कैब नहीं आएगी और आपको भी लेट हो रहा है, बताओ बदू कैसे। एक सेकंड रुको भैया मैं आ रही हूँ। मैम ODP 6863, बस जल्दी चला दो सर। ओके ठीक है। कौन से रूट से लेके आए हो? एयरपोर्ट वाला लाइन तो पीछे रह गया ना भैया। मैम उस रास्ते पर काम चल रहा है तो ट्रैफिक बहुत हो रहा है, आप लेट हो जाओगे, इसलिए शॉर्टकट ले लिया। लेकिन भैया आप बोल के लेते ना, बिना पूछे ही आपने मोड़ दिया। क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी फोन जाओगे। किस तरीके से बात कर रहे हो आप ये? भैया डोर अनलॉक करो। अपने आप हो जाएगा, अपना काम तो कर लो। पुलिस को कॉल कर रही हो क्या मैडम? कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ नेटवर्क आते नहीं है मैडम, और अगर गलती से आ भी जाते ना पुलिस आपको बचा नहीं पाएगी। पुलिस वाले भी कहाँ टाइम पर आते हैं मैडम। कोई है प्लीज भैया इसको ओपन करो प्लीज। ज्यादा लग गया क्या मैडम, आप लड़की हो ना, हर किसी को भरोसा कर लेती हूँ, फिर चाहे वो कैब ड्राइवर हो या फिर आपका बॉयफ्रेंड। टेंशन मत लो मैडम, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, बस मुझे जो चाहिए वो आप यहाँ से दे देना मुझे। भाई ये सब आप पैसों के लिए कर रहे हो ना, बोलो आपको कितना पैसा चाहिए मैं देती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो भैया प्लीज। अरे मैडम आप अमीर लोगों को पैसों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, बस हर चीजों को पैसों से खरीदना होता है। पकड़ पकड़
सर कहीं नहीं भगड़े मैं गाड़ी चला रहे सब सब मैं तो गाड़ी चला रहा आइए मैं आपको छुड़वा देता हूँ जी एक सेकंड।